सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। तो पहले कुछ अपडेट की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे मैच में। और जो हमारा फर्स्ट अपडेट है वो है सीजी से। तो आपको बताइए, सीजी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। जो न्यू प्लेयर है वो है सोगन, जो कि लीक्स आ रही थी वो भी कंफर्म हो चुका है और ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुका है। आपको सीजी में सोगन खेलते हुए देखने को मिलेंगे बीएमपीएस में। और साथ में जो सीजी के कोच थे अमित भाई, उन्होंने लाइक मेडल स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया है। वो अभी सीजी के कोच नहीं है और सीजी में अभी फ़िलहाल कोई भी कोच नहीं है। तो ये था कुछ न्यू अपडेट। बाकी अगर हम मैच की बात करें तो ये ई स्पोर्ट्स क्लब का मैच है। आपको ये वीडियो में नियो का 1v4 देखने को मिलेगा और कुछ अच्छे फाइट्स। तो चलते हम सीधा मैच की तरफ। तीन तीन प्लेयर साथ में आ रहे हो, करेंगे तो करेंगे भी क्या। नेट भी कुक किया गया है, बहुत अनफॉर्चुनेट था एंड अच्छा किया कि सीधा ऐसे प्लेयर्स अंदर नहीं घुसे। टीडब्ल्यूओबी के प्लेयर्स भी काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे भी परफॉर्मेंसेस की आशाएं कर रहे हैं बिकॉज काफी लंबा समय हो चुका। बट उससे पहले वेट, साइवैक्स नॉक हो चुके हैं। नियो ने भी एक पिक निकाला प्रिंस के ऊपर। सो सडनली ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। नियो रीसेंट टाइम्स में ऐसे क्लचेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एमएस पे भी तो क्लच करके शुरुआत हुआ है एमएस से एंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बट दिक्कत में अभी भी है, ये दिक्कत में एक और टीम आ चुकी है। ये जो स्ट्रीक था ऑफ गेटिंग मल्टीपल फिनिशेस, करुणाडु के पीछे पड़ गए हैं। लेट्स गो। करण जोड़ तो यही सोच रहे होंगे कि ये गलती कर बैठा मैं, यहाँ पे रोटेट नहीं करना चाहिए था। खिलाड़ी एग्रेस ऑलरेडी कर चुके हैं, एचपी वे टू लो एंड देयर गोज करण जोड। करुणाडु ईस्पोर्ट्स स्लैम इन आता हुआ, बट गुरी क्या कर पाएंगे। बहुत लेट आए जरूर थे पार्टी के अंदर, बट अभी के लिए जो नॉक है उन खिलाड़ियों को फिनिश करने की उनकी एक प्राइमरी एस्पेक्ट रहने वाला है। बट गुरी अभी भी सरवाइव कर रहे, जीवित है। ही हैज 75 एचपी, शॉट्स लेने की कोशिश, लेकिन वही है कितने देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। अक्षत को ले बैठे हैं, डूबते डूबते एक को तो ले गए हैं। तीन मैन स्क्वाड बन चुका है अब ये। शोगन ऊपर प्रहार, बट नियो आते हुए और ये ले जाएंगे वो बेहतरीन फ्रैग। विस शॉट भी आ चुके इसी विसिनिटी में। ये तो यू नो खतरे की घंटी तो ऑलरेडी बज चुकी है। ओरांगुटान थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं एंड जो टीम फोर मैन स्क्वाड के साथ थी वो ऑलरेडी ध्वस्त होते हुए नजर आ रही है। एक और, इट्स अ फोर्थ पार्टी ऑल ऑफ अ सडन। विस जॉर्ड उनके ऊपर शॉट लेने की कोशिश, एचपी वे टू लो एंड उनको भी ले जाया जाएगा। दैट इज विद द लाइक्स ऑफ एस्ट्रो किड्स। थर्ड पार्टी के महारत हासिल हो चुके इस टीम को। बट मॉली कनेक्ट हुआ है नियो के ऊपर, उनको हील करना पड़ेगा। तीन तीन खिलाड़ी है यहाँ पे नीचे एस्ट्रो किड्स, एक्चुअली तीन नहीं, चारों के चारों खिलाड़ी है एस्ट्रो किड्स के। नियो है तो पॉसिबिलिटी था, मैं बोलने वाला था, बट नेड आया और कार्निवल खेलना पड़ेगा एंड उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो इस समय में टीम आरजीएनसी को दिक्कत में डाल रहे हैं। पर दूसरी तरफ फाइट शुरू हो चुका है ओरांगुटान के अगेंस्ट कार्निवल। ये एक रिवेंज है, ये रिवेंज है फॉर श्योर। आरु दूर दराज स्पॉटिंग चल रही है, नियो एक एचपी के साथ बचते हुए नहीं। ये कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सेम जगह थी, आई बिलीव सेम कंपाउंड था जहां पे एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया था कार्निवल गेमिंग को। बट अभी देखा जाए तो वो चीज सर्व हो रही है, एक रिवेंज जो ऑलरेडी ब्रू हो रहा था धीरे धीरे करके उस अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। आतंक की एक लौते खिलाड़ी बचते हुए ओजी के खेमे में, क्या कर पाएंगे। नेड कुक जरूर कर रहे हैं, अक्षत या शोगन, क्या है वो ऑप्शन। शोगन थे बट शोगन तो स्मार्ट है, चतुर है, एकदम कॉर्नर में बैठे हुए हील कर रहे थे। एस्ट्रोल के हाथ में है, बरामद कर सकते हैं आतंकी को, इंस्टेंटली डाउन कर सकते हैं, नॉक कर सकते, खत्म कर सकते हैं। बट थर्ड पार्टी आता हुआ, ये है करुणाडु ईस्पोर्ट्स का करम। वो पहुंच चुके विसिनिटी के पास एंड अगर कार्निवल गेमिंग ने ये जो फाइट है जल्द से जल्द नहीं रोका, खत्म नहीं करा, तो वो दुविधाजनक सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। करुणाडु ईस्पोर्ट्स अभी के लिए आगे बढ़ बढ़ के कोशिश है कि खिलाड़ी को नॉक करा जाए। वॉल्ट करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश रहा, नहीं दिक्कत में करण जोत ने शोगन को डाउन करा। अक्षत ने फिर भी ट्रेड निकाला है, टीम एक्सपर्ट के शैडो एंड आइकू सोल, आई मीन टीम एक्सपर्ट एंड आइकू सोल आल्सो, वो बैटल भी चल रहा है। बट नियो के सामने यहाँ पे करुणाडो के गुरी है जिन्होंने पिछले बार बहुत परेशानी में डाला था इसी टीम को। बट फिर भी नियो ऐसे सिचुएशंस में हमेशा
पॉसिबल बनाते हैं ये क्लचेस को, ये नेड मुंह पे फट सकता है, फटा तो नियो एलिमिनेट हो सकते हैं, बट सीनियर वापस से ग्रेनेड निकाला है उन्होंने, कुक तो कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में फेंका है, बट क्या पोजीशनिंग ढूंढ पाएंगे? नहीं नहीं, उनको पता है S12 के साथ एक 1v1 ये क्रेट के सामने घुमा घुमा के कोशिश कर रहे हैं, नियो क्या निकाल पाएंगे यहाँ पे, बट नहीं उन्होंने फिनिश कर दिया नॉक्ड प्लेयर्स को, पेशेंस दिखा रहे हैं, नियो कोशिश कर रहे हैं, ओके बेट आउट किया थोड़ी देर के लिए, वेट किया कर रहे हैं वापस से, नियो कैन ही डू इट, नियो कैन ही टच इट वंस अगेन, एफपीपी में स्विच किया उन्होंने वापस से, वही सिमिलर बैटल, एक पीछे एक कदम गोल गोल घूमे जा रहे हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स, कौन यहां पे एलिमिनेट करेगा, करुणाडू या फिर नियो, नियो नियो शॉट करके कंप्लीट करेंगे, दिस गाय हैज रीजन, तो देखना जरूर चाहूंगा साइरैक्स इस वक्त वे टू लोन एचपी एंड ये लीजिए नियो, दूर से उन्होंने S12K का फटका मारा है, इतने डिस्टेंस में शॉट लगता ही नहीं है, बट खिलाड़ी लो थे तो लग गया, एंड अभी के लिए देखा जाता तो वर्ल्ड ऑफ बैटल दे आर नॉट लुकिंग प्रीटी एट ऑल, उनका एक जो रोटेशनल गेम था वो तो काम नहीं कर पाया, एज द एंटायर टीम हैज बीन एलिमिनेटेड, दो खिलाड़ी के साथ जीवित थे एंड उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, साइड का एडवांटेज निकालने की कोशिश अभी के लिए सर्कल के अंदर मौजूद तक नहीं है, ये लीजिए प्रहार आ चुका है, एंड एक एक करके जो कार्निवल टीम की तीन तिगड़ी थी उस तिगड़ी को तिगड़म बना दिया गया है, टॉप पे बैठे थे ग्लोबली, सील किया डील, और ये लीजिए कार्निवल गेमिंग चर्च के पास थे, प्रे कर रहे थे, मन्नत मांग रहे थे कि यहाँ पे सिचुएशन यू नो बैड हो जाए, एंड WSB की सिचुएशन बैड से वर्स हो चुकी है, एकलौते खिलाड़ी ज़ेरेफ क्या कर पाएंगे? देखिए ज़ेरेफ ना अंदर ही है, ये छोटे से रूम के अंदर है, अगर किसी को भी नॉक करते हैं ना तो सीधा फिनिश ही डालेंगे, अभी वो नहीं रुकने वाले, अब उनका पोजिशन का आइडिया हो चुका है, अक्षत को फाइनली एक फिनिश पॉइंट मिल जाएगा एंड